तो जैसे शंकर सर ने भी कहा कि को ब्रश करते करते ये आइडिया आया था, दिल चाहता है, और ऐसा बहुत बार हम सब के साथ होता है. तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि उनको आइडियाज जो हैं वो कहाँ कहाँ आते हैं और कैसे कैसे आते हैं. तो आप अपने किससे शेयर कर सकते हैं, कौन है, सबसे पहले हाथ खड़ा करें. जी मैडम. हेलो कपिल सर. हेलो जी. हेलो एवरीवन. मेरा नाम छाया है. बहुत अच्छा लगा छाया जी आपको देख के. थैंक यू सर. कहाँ से हैं छाया जी आप? मुंबई से सर. अच्छा अच्छा. मैं और मेरे हस्बैंड है ये. तो क्या हाल है हस्बैंड जी? जी सर, हम जब भी रात को सोने जाते हैं. अच्छा, रात को सो जाते हैं आप? अच्छा अच्छा. फिर तो उनको बहुत जल्दी नींद आ जाती है सर, वो 5 मिनट में सो जाते हैं. बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, दुनिया की तो नींदें उड़ी पड़ी है सर. अच्छा जी. और सर मुझे बहुत ही लेट नाइट नींद आती है, तो मैं अच्छा जागती रहती हूँ. अच्छा जी. तो कई बार मैं उनका फेस से चादर निकाल के उनका फेस रीडिंग करती हूँ. तो मतलब सोते हुए आदमी भी बर्दाश्त नहीं है आपको? ये क्या बात है सर, आप उनकी चादर खींचती हैं एकदम से, उनकी आंख खोले और आपको यहाँ पे देखें तो त्राह निकल जाएगा आदमी का. है ये क्या? नहीं सर, उनका फेस देख के मुझे बहुत ख्याल आते हैं सर. क्या ख्याल आते हैं आपको? सर वो जब उनका फेस देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो अगली सुबह खुश होंगे, कि वो अभी स्ट्रेस में है, खुश है, उनके कैसे दिन जा रहे हैं. मतलब इतना कंट्रोल है आपका? नहीं सर. वो तो घर पे रहता है सर, बाहर थोड़ी. अच्छा रहता है. मतलब दिमाग पे कब्जा कर रखा है आपने. भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? अभी सर अभी आज तो मुझे पता चला है, राज था. अच्छा 25 साल हो गए हम लोग का शादी का. इन्होंने कभी मुझे पता ही नहीं कि रात को आपको पढ़ रही है. यही करते हैं आज के बाद, इनको सोने के बाद वो सो जाए, बाद में मैं सो. मैं सोऊंगा. पर भाई सब ध्यान से है, पढ़ा जा रहा है आपको. पर बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, धन्यवाद, शुक्रिया. और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम. नमस्ते कपिल सर. नमस्ते जी, कैसे आप? ठीक हूँ एकदम. माय नेम इज पायल मित्रा. पायल जी, पायल बहुत स्वागत है. मैं ह्यूस्टन से आई हूँ. ह्यूस्टन से? हाँ. इंटरनेशनल फैंस. हाँ. बहुत बहुत स्वागत है आपका. ह्यूस्टन क्या बात है सर, देख लो सर, बस कभी घमंड नहीं किया सर, बस. जी पायल जी. हाँ, तो मुझे जो आइडिया आते हैं ज्यादातर मोस्टली जब भी मैं, हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं. हम लोग कौन, मतलब कितने लोग हैं टोटल? मतलब मैं मेरी फ्रेंड कोई हो बे. अच्छा जी. तभी देखते हैं चारों तरफ डॉग्स पूप करते रहते हैं. ह्यूस्टन में भी करते हैं? नहीं नहीं, यहाँ यहाँ पे ह्यूस्टन के डॉग्स पूप नहीं करते. करते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, वो एक थैली जैसा होता है, उनके पॉकेट में होता है. हाँ, तो वो कलेक्ट कर लेते हैं. बट यहाँ ऐसा नहीं होता. एडवांस टेक्नोलॉजी है. हाँ, उनके पास वो थैली रहती है और कुत्तों के पास भी थैली रहती है, अगर उनका मालिक कहीं कुछ कर दे. नहीं मतलब ऐसे सुना है मैंने. मतलब यहाँ पे जैसा मोबाइल टॉयलेट सबके लिए यूज करते हैं, वैसा हम आइडिया लगा सकते हैं कि डॉग के हिसाब से भी ऐसा करे तो ज्यादा मतलब गंदगी ना हो और फैले रहे. धन्यवाद पायल जी आपका किस्सा शेयर करने के लिए, शुक्रिया शो में आने के लिए. थैंक यू. और कोई हमारे दोस्त अपना किस्सा शेयर करना? जी मैडम. हाय एवरीवन, मेरा नाम शिल्पा है. मैं वर्धा डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ. कहाँ से जी? ये नागपुर के पास. अच्छा जी. मैं जैसे हाउस वाइफ हूँ और जॉइंट फैमिली में रहती हूँ. अच्छा जी. और हस्बैंड एक्चुअल बाहर रहते हैं काम के लिए, तो मुझे डांस का बहुत शौक है. मैं बच्चों को डांस भी बैठा सिखाती हूँ. अच्छा जी. पर डांस के स्टेप्स जो है मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, तो फिर मैं कपड़े धोते धोते स्टेप याद करती हूँ. अच्छा. जैसे आप कपड़े पीटते ये पीलते हैं. हाँ. तो मुझे स्टेप्स याद आती है कि इस स्टेप में ये डांस में ये स्टेप डाल सकते हैं. अच्छा. या फिर आप कपड़े सुखाते समय में कुछ और नई दुनिया में हो के नई स्टेप सीख लेती हूँ. आप चाहो तो मैं आपको करके भी दिखा दिखाइए. मैडम आइए. कैसी आप? माइक नहीं मांगा मैंने, तो हेलो किया था. तो कौन मतलब कौन से स्टेप आपने इजाद किए हैं? कपड़ा दीजिए उनको. हाँ, अच्छा कपड़ा भी दे दो. प्रॉप दे दीजिए कोई. एकदम. हाँ मेथड एक्टिंग हो जाएगा. हाँ. किसी भी गाने पे अनूप जलोटा जी का भजन चलाऊं? उनके गाने पे नहीं होगा. ओके. माधुरी का कोई सॉन्ग? हाँ जी माधुरी मैम का कोई सॉन्ग चला दीजिए. माधुरी जी लाइव गा देते हैं उनके लिए कोई गाना. लाइव गा दे. लाइव गा कर कुछ. लो जी. 1 2 3 4. मेरा झुमका उठा के लाया यार ने, जो की रात था बरेली के बाजार में. ओ मेरा झुमका उठा के लाया यार ने, जो की रात था बरेली के बाजार में. तू झुमका लगा के शर्म आ गई.
सबको नचा के नाच ले आज नाच ले मेरे यार तू नाच ले जगत जगत नाच ले नाच ले मेरे यार तू नाच ले अब तो लुटा है बाजार वाह वाह बीच में कपिल भाई आपने एक्सप्रेशंस नोटिस किए अरे वाह शी वाज नॉट हैप्पी विद हर ओन वॉशिंग हां अरे आप बहुत अच्छा डांस करती हैं ऐसा किसी ने कहा है आपको अच्छा नहीं बहुत अच्छा था आपका थैंक यू सो मच शुक्रिया धन्यवाद और कोई हमारे दोस्त अपना कोई मजेदार किस्सा शेयर करना चाहते हो अच्छा जी पाजी सत श्री अकाल जी सभी को नमस्कार नमस्कार जी सर मेरा नाम जगतार सिंह हरियाणा जिला करनाल इंद्री इलाके से हूं बहुत बहुत स्वागत है जगतार जी थैंक यू सर थैंक यू तो जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ हाँ जी तो अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई पड़ती हैं कोई पक्षी कोई जहाज रॉकेट बम पटाखे पता नहीं क्या क्या सुनते हैं तो फिर वही आवाज निकालने की मैं कोशिश करता हूँ जी तो इन आवाजों के जरिए मैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल चैंपियन भी बना हूँ अरे वाह लगभग मैं लगभग यूथ फेस्टिवल्स होते हैं 200 हाँ जी 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 अच्छा जी लगभग 200 तरह की अलग अलग तरह की आवाजें हैं अरे वाह कुछ निकाल के अगर हमारे दर्शकों इजाजत हो तो जी जी प्लीज सर ओके अच्छा आइए आइए कुछ आवाजें हैं जो आप सभी को सुनाऊंगा अच्छी लगे तो क्लैपिंग कीजिए नहीं लगे तो माफ कीजिएगा जब हमारे कपिल शर्मा जी ट्रैक्टर सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो ट्रैक्टर सेल्फ स्टार्ट कैसे होता है तो एक डीजल इंजन होता है खेत में देखा होगा हाँ। आप सभी ने हैंडल से ऐसे स्टार्ट होता है डीजल इंजन हाँ। खेत में किसान लोग पानी लगाते हैं जी जी तो वो डीजल इंजन स्टार्ट कैसे होता है एक ग्लाइडर जब सर के ऊपर से गुजरता है ग्लाइडर एक आपने सुना होगा स्टीम इंजन हाँ गदर फिल्म में देखा होगा उसके अंदर कोयला डालते हैं भाप बनती है स्टीम इंजन भाप वाला इंजन जी वो स्टार्ट कैसे होता है रेलगाड़ी पटरी के ऊपर चल पड़ती है पटरी से आवाजें आती हैं डिले 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 पटरी पर चलते बाद उसके बाद फिर एक पुल के ऊपर से गुजरती है पुल की आवाज आती है फिर थैंक यू नमस्कार क्या बात है क्या बात है क्या बात है बहुत अच्छी आवाजें निकाली जगतार जी आपने अच्छा मैं देख रहा हूँ कि जो आपने जो जो अटायर है हमारे पंजाब में पंजाबी में कहते हैं गुरु की लाडली फौज जो निहंग सजते हैं हमारे बहुत सारे यहाँ पे जो गेस्ट हैं वो आए हुए हैं तो आपकी जैकेट के पीछे लिखा हो भाजी गुरु नानक सद्भावना यात्रा तो कुछ बताएंगे इसके बारे में आप हाँ जी सर ये गुरु नानक सद्भावना यात्रा हमारे जो गुरु नानक देव जी हैं जी उनके 550वें प्रकाश उत्सव के पर्व में ये एक यात्रा निकाली गई है अच्छा लीफा संस्था और एक श्रोमणी गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया इन दो संस्थाओं ने मिलकर ये उपराला किया है ओके नीफा संस्था जो कि चेयरमैन प्रतिपाल सिंह पन्नू जी हमारे यहाँ बैठे हैं आप अच्छा, सत श्री अकाल सर सत श्री अकाल कपिल जी सबसे पहले संगीत जगत के जो महारथी यहाँ पर बैठे हैं आप सभी को मेरी सत श्री अकाल प्यार भरा नमस्कार अर्चना जी सत श्री अकाल गुरु नानक सद्भावना यात्रा जो निफा नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट और श्रोमणी गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया ये दो संस्थाओं द्वारा शुरू की गई थी ओके जो 550 साल ये चल रहा है इसको हमने ननकाना साहब से शुरू किया था पाकिस्तान से
पाकिस्तान के बाद पूरा भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका करते हुए हम आपके शो में आए हैं। वाह, बहुत बहुत स्वागत है सर। और इसके बाद हम लोग सऊदी अरब, इराक, अफगानिस्तान जाने वाले हैं, और वहां से फिर ये वापसी जब आएंगे तो करतारपुर साहब जो नया कॉरिडोर बना है वहां जाकर ये यात्रा समाप्त होगी। क्या बात है, 40,000 मील, वही रूट जिस रूट पर गुरु नानक देव जी गए थे अपने पूरे जीवन में, उसी रूट पर जा रहे हैं। वाह, बहुत बहुत बधाई सर आपको। इसमें हम लोग पूरे मार्ग पर हम लोग 55,000 पेड़ लगा रहे हैं, और आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि हर पेड़ में गुरुदेव जी की जन्मभूमि की मिट्टी डाली जा रही है। हम सबकी एक इच्छा है कि ये जो मंच है पूरी दुनिया तक ये मैसेज जाता है, आपके माध्यम से जा रहा है, तो हम लोग अपने साथ 5 पौधे अपने साथ लेकर आए हैं जो पांचों गेस्ट मंच पर मौजूद हैं, साथ में गुरु साहब की जन्मभूमि की मिट्टी हम आपको भेंट करना चाहते हैं। क्या बात है, और इस यात्रा का एक मोमेंटो है वो मंच पर आकर आपको भेंट करना चाहते हैं। प्लीज आइए, बहुत-बहुत स्वागत है। ओए क्या प्यारा है, ये है मिट्टी जी, जी जी, क्या बात है, क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग इस मिट्टी में और मिट्टी मिला के कहीं ज्यादा पौधे पे दे, जरूर 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 करेंगे, जरूर जरूर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मिट्टी और मिला के ज्यादा पौधे लगा सकते। जरूर जरूर जी भाई, बहुत बहुत मेहरबानी जी, इतना खूबसूरत। धन्यवाद हमारी सारी टीम की ओर से आपका, गुरतेज सिंह खालसा जी श्रोमणा गीतकार फेडरेशन के प्रधान हैं। अच्छा जी, नरेश बराना जी हमारे निफा के कोऑर्डिनेटर हैं, प्रवेश गाबा जी जनरल सेक्रेटरी हैं, गुरप्रीत सिंह खालसा जी, सभी की ओर से दिल से धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया सर, शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सिंह साहिबान के लिए जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद सर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.